टेस्टी और यमी बिस्किट जिसको खा के मज़ा आ जाएगा। मुंह में घुल जाने वाले हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट। तो कैसे बनते हैं देखने के लिए चलते हैं पूजास किचन ट्रेजर ऑफ फूड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजास किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजास किचन में आज मैं बना रही हूँ हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट, जिसको टूटी फ्रूटी बिस्किट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो कराची के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बटर। ये सॉल्टेड बटर है, अगर आप चाहें तो वैसा जो अनसॉल्टेड आता है बटर वो भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं लगभग एक बड़ा जो टेबल स्पून होता है लगभग 50 ग्राम जो है मैं बटर ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है पाउडर शुगर, और पाउडर शुगर जो है जितना हमने मैदा लिया है उसका आधा हमें पाउडर शुगर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर लगभग ये जो बाउल लिया है इतना मैंने मैदा लिया है 2 कटोरी, तो इसका आधा यानी एक बाउल मैंने पाउडर शुगर लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि शुगर और बटर एकदम अच्छे से मिक्स होकर फ्लफी ना हो जाए। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो बटर और शुगर पाउडर था हमारा, इस तरह से मेल्ट होके एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको मैं मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये मेरा मिक्सिंग बाउल, और यहाँ पर जो हमारा बटर और शुगर पाउडर है सारा इसमें डाल देंगे। तो ये जो बटर है इसको थोड़ा सा और हम मिक्स कर लेंगे लगभग 5 मिनट। तो ये देखिए, जो हमारा बटर और शुगर पाउडर था वो अच्छे से मिक्स हो गया और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसमें बाकी चीज़ें मिला लेते हैं। और इसमें मैं मिला रही हूँ मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। साथ ही यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, ये मैं के साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। लगभग 2.5 कप, और इनको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। और अब यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर लगभग 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो होता है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं टूटी फ्रूटी। ये मैंने मिक्स कलर वाली टूटी फ्रूटी ली है, आप चाहें तो एक कलर की टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं, पर इससे जो है बहुत ही अट्रैक्टिव से लगते हैं बिस्किट। और अब इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अभी सारी चीज़ें जो हैं हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करनी है। जो इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे, इसमें हमें लगभग 2 चम्मच जो है दूध डालूंगी ताकि इसका डो आराम से लग जाए। 2 चम्मच से ज़्यादा जो है हमें इसमें दूध ऐड नहीं करना है।
और इसका मसल मसल के डो जो है रेडी करना है। तो यहाँ पर मिक्स करने के लिए इस तरह की परात ले ली है मैंने, ताकि ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से डो के रूप में रेडी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से एक पॉलीथिन ली है और डो को इस तरह से हाथों के सहायता से धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसे बनाना है शेप। जैसी शेप आपको चाहिए बिस्किट की, उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। और ये जो शेप है बस रेडी हो गई है मेरी। और अब इसको रैप कर देंगे पॉलीथिन में टाइटली एकदम, और लगभग एक घंटा जो है फ्रिज में इसको सेट होने देंगे। तो इसको जो डो है हमारा, इसको ये रैप कर देंगे टाइटली और लगभग एक घंटा फ्रिज में सेट होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग एक घंटा हो चुका है और ये जो मेरा मैंने डो रेड बनाया था बिस्किट का, कटिंग के लिए एकदम रेडी हो चुका है। देखिए तो ये बिस्किट जो है एकदम अच्छे से बन जाएंगे। और इनको जो काटते समय हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इनके जो थिकनेस है, हमें थोड़ा ध्यान से थिकनेस ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी शुगर जो है मेल्ट हो जाती है और इस वजह से क्या होगा, जो ये एकदम पतले हो जाएंगे और पतले बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो धीरे धीरे सावधानी से जो है इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो बिस्किट हैं मैंने इस ट्रे में रख लिए हैं। ये एल्यूमिनियम की ट्रे है और इसमें अब हम इसको जो बिस्किट्स हैं उसको बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट कट कर लिए हैं और ये जो मेरा ओवन है उसके लिए मैंने इसमें रख लिए हैं और 180 डिग्री पर अब इसको बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरे बिस्किट जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। कितने टैम्पटिंग लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो ये रेडी है आप लोगों के लिए हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट। आप भी बनाइए घर पे और पक्का आप भी बनाइए इन्हें घर पे और मज़ा लीजिए चाय के साथ। इनका बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फटाफट बनने वाले बिस्किट हैं और मुंह में घुलने वाले बिस्किट हैं एकदम। और आपको एक बार मैं ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, एक बार और आपको दिखाती हूँ तोड़ के। बिल्कुल सॉफ्ट बिस्किट तैयार हुए हैं और तैयार है आप लोगों के लिए हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट। बहुत ही टेस्टी और यम्मी और मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट हैं ये। आप भी वीडियो देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए और बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये बिस्किट चाय के साथ। चाहे सुबह हो या शाम को हो, आप चाय के साथ इसको इंजॉय कर सकते हो। और ये फटाफट बनने वाले बिस्किट हैं इसलिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि घर का जो सामान हमारे पास अवेलेबल होता है उससे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको बना के देखिए। तो अब वक्त है शाउट आउट अनाउंस करने का। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स मुझे मेरे वीडियोज़ पर मिले और उनमें से कुछ नाम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनमें पहला नाम है अदितिस किचन, मिस्टर गौरव गुप्ता, मिस्टर अशोक गुप्ता, मिसेज अंजलि माथुर, व्यंजना किचन, कुक विद रेणु, बॉन्ग फूड फ्लेवर, मिसेज निर्मला सांगी, मिस्टर अजय पाल सिंह एंड मिस्टर हरीश साठला। इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अगर
आप लोग भी चाहते हैं कि आपके नाम मेरी वीडियो में अनाउंस किए जाए, तो आप बने रहिए मेरे चैनल। और बाहर से भी अच्छा टेस्टी और हेल्दी खाना घर पे ही खाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पूजास किचन ट्रेजर ऑफ फूड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।